गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर टू, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मृत्यु से नहीं डरते जब हम एक साथ होते हैं, यदि हम एक साथ होते हैं। गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट का ये टॉपिक है अबाउट द अर्थर्स। गॉर्डन कुक वॉज बॉर्न ऑन 3 दिसंबर 1978 इन टोरेंटो कनाडा, टोरेंटो शहर है कनाडा का। ही इज़ द नरेटर ऑफ द चैप्टर, वह चैप्टर का कहानीकार है। ही इज ए टू टाइम कैनेडियन ओलंपिक सेलर, वह दो बार कैनेडियन ओलंपिक सेलर तैराक रह चुका है। ही सेल फॉर द रॉयल कैनेडियन यॉच क्लब, वह कैनेडियन याच क्लब के लिए तैराकी करता है। ही इज ए ग्रेजुएट ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स प्रोग्राम एट क्वींस यूनिवर्सिटी, वह क्वींस यूनिवर्सिटी के फिजिक्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम से स्नातक है। एंड एलेंस ईस्ट वाज बॉर्न ऑन 18 नवंबर 1923 इन ईस्ट डेरी न्यू हैम्पशायर के ईस्ट डेरी में 18 नवंबर 1923 को एलन ईस्ट पैदा हुए। ही वर्कड एज ए लिटिगेटर मैनेजर एंड लीगल ट्रेनर, एक प्रबंधक और लीगल ट्रेनर, एक कानूनी ट्रेनर प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। ही इज ए को फाउंडर ऑफ मल्टी अकेडमी ट्रस्ट सेंट्रल अकेडमीज ट्रस्ट विच हैज़ ओन द एम प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड्स इन सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा के सुधार का एम लेकर एक मल्टी एकेडमी ट्रस्ट सेंट्रल एकेडमीज के वो को फाउंडर रहे। अबाउट द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर डिपिक्ट चित्रित करता है रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, एक आदर्श वास्तविक एक्सपीरियंस अनुभव बाय द नरेटर कहानीकार गोल्डन कुक का इन हिज ओन लाइफ, उनके स्वयं के जीवन में ड्यूरिंग ए वॉयज मीन्स समुद्री यात्रा, विद हिज वाइफ अपनी पत्नी सन पुत्र डॉटर पुत्री एंड टू क्रूमैन और दो व्यक्तियों के साथ, दे फॉट ए वार विद वाटर, उन्होंने युद्ध पानी के साथ फॉट लड़े, ए वार एक युद्ध, इन द सी समुद्र में, देयर सर्वाइवल अपनी आत्मरक्षा के लिए, पुनर्जीवन के लिए। द वेव्स वर गैनेटिक बट देयर एक्सट्रीम कैरेज कॉन्फिडेंस विल पावर दे ऑल सेव्ड देयर लाइफ एंड क्रिएटेड ए हिस्ट्री ऑफ वैलर, यानी कि जो तरंगे थी वो अत्यधिक शक्तिशाली थी, लेकिन एक्सट्रीम करेज अत्यधिक साहस कॉन्फिडेंस विश्वास विल पावर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने अपना जीवन बचाया और एक इतिहास में प्रसिद्धि प्राप्त की। स्टूडेंट फर्स्ट स्टेंजा, इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजान एंड आई सेट फ्रॉम द प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years अर्लियर बाई द कैप्टन जेम्स कुक्स। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई इस 37-year-old businessman had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past of 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in the British water. July 1976 में मेरी पत्नी, 6 वर्षीय पुत्र जोनाथन, 7 वर्षीय
पुत्री सुजान और मैं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ के से कैप्टन जेम्स कुक द्वारा 200 वर्ष पहले दुनिया के चारों ओर की समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए रवाना हुए। मैरी और मैं 37 वर्षीय व्यापारी हूँ 27 ईयर्स बिजनेसमैन ने विख्यात एक्सप्लोरर अन्वेषक के रूप में समुद्री यात्रा करने का सपना देखा था और पिछले 16 वर्षों के दौरान हमने अपना लीजरली टाइम फुर्सत का समय ब्रिटिश वाटर में समुद्री यात्रा में दक्षता पाने के लिए जानकारी हासिल करने के लिए बिताया। ऑन आवर बोट बेव वाकर्स 23 meters 30 tons वुडन हडल ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट आउट ऑफ द टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी शुड फाइंड। हमारी नाव बेव वाकर 23 meters लंबी और 30 tons वजनी सुंदर लकड़ी की बनी पेशेवर तरीके से बनाई गई थी और हमने महीनों तक उसको तैयार करने और खराब से खराब वेदर मौसम में उसका परीक्षण करने के लिए लगाए टेस्टिंग परीक्षण। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लानेट 3 years 105,000 kilometers जर्नी पास्ट प्लीसेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू कैप टाउन देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन द क्रूमैन अमेरिकन लैरी विर्जिल एंड स्विस हर्ब सेलर टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज साउथर्न इंडियन ईस्ट ए ओशियन। 3 वर्ष की प्लानेट नियोजित यात्रा का हमारा प्रथम चरण खुशनुमा ढंग से बीता जिसमें हमने अफ्रीका के पश्चिमी तट से कैपटाउन तक 105,000 kilometers की यात्रा की। पूर्व की ओर चलने वाली से पहले हमने वहां 2 नाविक लिए अमेरिकी लॉरी विजिल एंड स्विस हर्ब सीलर दुनिया के सबसे खराब दुनिया के सबसे खराब द रफिएस्ट सी साउथर्न इंडियन ओशियन दुनिया के सबसे खराब समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने में सहायता के लिए लिए। इन सेकंड पैराग्राफ ऑन आवर सेकेंडरी डेज आउट ऑफ द कैपटाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स फॉर द नेक्स्ट few weeks they blew continuously gales did not worry me but the size of the waves was alarming up to 5 meters as high as our main mast. December 25 found us 3,500 kilometers east of the Cape Town despite erosions but weather we have the wonderful holiday complete with the Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had no change soon and it did change for the worse. Encounter face, samna karna. Gales tej andhiya. Alarming, bhayanak. Atrocious, atyadik bura. कैपटाउन के बाहर दूसरे दिन हमने बहुत तेज आंधी का सामना शुरू किया। अगले कुछ हफ्तों में तेज आंधी लगातार चलती रही। मुझे तेज आंधी की चिंता नहीं थी लेकिन लहरों का आकार भयंकर था। लहरें 15 meters ऊंची जितना कि हमारा मुख्य मस्तूल ऊंचा था। 25 दिसंबर को हम कैपटाउन से 3,500 kilometers की दूरी पर थे। अत्यधिक बुरे समय
के बावजूद हमने क्रिसमस वृक्ष के साथ अच्छे ढंग से छुट्टी का दिन बताया। नव वर्ष के पहले दिन मौसम के में कोई सुधार नहीं था, इम्प्रूवमेंट सुधार, लेकिन हमने महसूस किया मौसम में जल्दी परिवर्तन आएगा, और उसमें परिवर्तन नहीं आया, वो बदतर हो गया। बोर्स बदतर, बैट की कंपरेटिव डिग्री। एड डाउन ऑन जनवरी टू द वेव्स वर जिग्नेटिक, वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग एट नॉट्स एंड द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड नॉट सी एंड लेंस अनॉर्मियस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस एंड द स्क्रीनिंग ऑफ द विंड स्टूडेंट Look at the paragraph number third. At dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of the each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the storm jib and lashed a heavy morning rock in the loop across the strain. Then we double-laced everything. We throw our life rat drill, attached life nets, lifelines, donned off pins and life jackets and waited. Genetic विशाल का है। 2 जनवरी के सवेरे लहरें विशालकाय थी। एट डॉन सवेरे ऑन जनवरी टू द वेव्स वर जेनेटिक, विशालकाय थी। हम केवल तूफानी पाल को मस्तूल के आगे लेकर यात्रा कर रहे थे। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप पाल एंड वर स्ट्रिंग मेकिंग 8 knots और हम 8 knots समुद्री मील की गति से बढ़ रहे थे। एज द शिप rose to the top of the each wave, we could see endless enormous miss Vishal sea rolling towards us and screaming the wind and spray was painful to the ears. जैसे ही जहाज प्रत्येक लहर की चोटी तक उठता था, हम देख सकते थे असीम विशालकाय सागर हमारी ओर दौड़ा आ रहा है, और हवा फुहारों की स्क्रीम चीख हमारे कानों में दर्द पैदा कर रही है। टू सो द बोट डाउन बी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप एंड लैस्ड ए हैवी मॉर्निंग रॉक इन ए लूप अक्रॉस द स्ट्रीम, नौका की धीमी गति करने के लिए हमने तूफानी पाल नीचे डाल दिया और पिछल के आर पार एक भारी रस्सी का फंदा बांध दिया। Then तब भी डबल लेस्ड एवरी थिंग बेंट थ्रो अवर लाइफ रेफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स ड्रॉनेट ऑल्स स्किन एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। तब हमने हर चीज को दोहरी रस्सी से बांधा, जीवन नौका में बैठे जीवन रक्षक पेटी से जोड़ा, लाइफ लाइन्स जीवन रक्षक पेटी से जोड़ा, मोजामा और जीवन रक्षक जैकेट पहनी एंड वेटेड और प्रतीक्षा की। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ऑनोमियस साइलेंस। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। देन केम ए ग्रोइंग रॉयर and an enormous cloud
towered aft of the ship with horror I realized that it was not a cloud but wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice and height of the other waves with frightful breaking crest. लगभग 6 बजे शाम आने वाली आपदा डिजास्टर आपदा का पहला संकेत आया। मनहूस शांति के साथ था, हवा कम हो गई, आकाश जल्दी काला हो गया, ब्रू डार्क जल्दी काला हो गया, तब एक बढ़ती हुई दहाड़ हुई, रॉयल दहाड़। एक बहुत बड़ा बादल जहाज के पिछले भाग पर ऊंचाई से छा गया। आतंकित होकर मैंने महसूस किया, रियलाइज्ड महसूस किया कि वह बादल नहीं बल्कि लहर है, जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह एकदम पूरी तरह से खड़ी प्रतीत हुई और दूसरी लहरों से ऊंचाई लगभग दोगुनी थी, डबल दोगुनी, और डरावने वाले शिखर को तोड़ते हुए, ब्रेकिंग तोड़ते हुए क्रिस्ट चोटी। स्टूडेंट नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 4। द रोयर इंक्रीजेज टू ए थंडर एज द स्ट्रीम मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट बट देन ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन सूक द डेक ए टोरेंट ऑफ ग्रीन द वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप एंड माई हेड smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accept my approaching death and as I was losing consciousness I felt quite peaceful. जैसे ही जहाज का पिछला भाग लहर के ऊपर की ओर बढ़ा, इंक्रीज बढ़ा, शोर की गूंज अथवा गर्जना में तब्दील हो गया, मूव्ड अप बदल गया। क्षण भर के लिए मुझे लगा कि हम उस पर सवार हो जाएंगे, मोमेंट क्षण भर के लिए, राइट सवार होना, तब भी एक बड़े विस्फोट के जहाज के डेक को हिला दिया एंड सफ़ेद पानी की प्रचंड धारा जहाज पर टूट पड़ी। मेरा सिर पहिए से टकराया और मुझे लगा मैं जहाज के ऊपर उड़ रहा हूँ और लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। मैंने आने वाली मौत को महसूस किया और जब मैं बेहोश होता जा रहा था मुझे बहुत राहत महसूस हुई। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने अत्यधिक राहत महसूस की। अनएक्सपेक्टली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर एंड फ्यू मिस्ट्रेस अवे वेव वेकर वाज नियर कैस्पिजिंग हर मस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल देन ए वेव हंडल्ड हर अपराइट एंड माई लाइफ लाइन जर्ड टॉट। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्स थ्रो द एयर इन टू द वेव मेकर्स मेन बूम सब्सक्विंट वेव्स टोस्ट मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ समहाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्ट्रीम फॉर द नेक्स्ट वेव्स एंड हंग ऑन। बिना किसी आशा के, अनएक्सपेक्टेडली बिना किसी आशा के, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, मेरा सिर पानी के ऊपर आया। ए फ्यू मीटर्स अबे, कुछ मीटर की दूरी, वेक वाकर वाज नियर, बेज वाकर वाज नियर कैप्साइजिंग, वेव वाकर लगभग पलटी हुई थी। हर मस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, मस्तूल लगभग क्षैतिज थे, हॉरिजेंटल क्षैतिज। देन तब ए वेव एक लहर हरल्ड हर अपराइट माई लाइफ जर्क टॉर्ट, तब एक लहर ने बहुत तेज़ी से उसे
खड़ा धक्का मारा, जर्क धक्का। मेरी जीवन रक्षक पेठी धक्का खाकर तन गई। मैंने सुरक्षा प्रदान करने वाली रेलिंग को पकड़ लिया और हवा में तैरकर बेवाकर के मुख्य पाल डंडे से टकराया। लगभग लहरें मुझे कपड़ों की गुड़ियों की तरह उछाल रही थी और बाईं ओर से रिप्स पसलियां चटकी। मेरा मुंह खून और टूटे दांतों से भर गया। किसी तरह मुझे कंट्रोल करने वाला पहिया मिला और अगली लहर के लिए पिछले भाग को सीध से किया और उस पर हंग लटक गया। वाटर वाटर एवरीवेयर, सब जगह पानी था। आई कुड फील मैन, महसूस कर सकता था द सी फैट वाटर बिलो, कि जहाज पानी के नीचे था। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील ऑफ द इन्वेस्टिगेट। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, माई मैरी अपीयर्ड। वी आर सिंकिंग, स्क्रीम्ड द डेक आज द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रीम्ड फॉर द हैच। सब जगह पानी हो गया। मैं महसूस कर रहा था कि जहाज के नीचे पानी है। इसका पता करने के लिए मैंने पहिए को नहीं छोड़ा। अचानक सामने एक छोटा सा द्वार खुला और मैरी प्रकट हुई, अपीयर्ड। मैरी अपीयर्ड, प्रकट हुई। सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, द डेक आर स्मेडिंग, डेक चकनाचूर हो गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पूरी तरह पानी में हैं। जैसे ही टेक द व्हील, पहिए को पकड़ो, आई शाउटेड, जैसे ही मैं चिल्लाया, आई स्क्रीम्ड फॉर द हैच। जैसे ही छोटे द्वार की ओर तेजी से आया, आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया। स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 5। लैरी एंड हर्व वर पंपिंग लाइक मैडमैन। बट ट्रिम्बलिंग हंग्स ए क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड हाइड बिगुल्ड इन वर्ल्ड एंड क्लॉथेज अदर हार्ट टिंस एंड ट्वाइस ऑफ स्टोर्ड अबाउट इन द डीप वाटर। आई हाफ स्वेम्ड हाफ crawled into the children. Can are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. But my head hurted a bit. लारी और हर्ब पागल आदमियों की तरह, मैट पागल आदमियों की तरह पानी निकाल रहे थे। टूटी हुई लकड़ियां अजीबोगरीब तरीके से लटकी हुई थी। सारा स्टार्कबोर्ड साइड अंदर की ओर फूल गई थी। कपड़े, कॉकरी, चार्ट, टिन, खिलौने गहरे पानी में डूब गए थे। मैं आधी दूर तैरा और बच्चों के कैबिन के आधी दूर तक रेंगा। मैंने पूछा, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? सोने के ऊपरी साइका से उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, पर मेरे सर में थोड़ी सी चोट लगी है। मेरी आंखों के ऊपर बने गुमले की ओर इशारा करते हुए सू ने कहा, सिर के गुमलों के लिए चिंता करने के लिए मेरे पास समय नहीं था। नेक्स्ट पेज। After finding a farmer, screw and canvas, I struggled back on the deck with the starboard side wedged open. We were taking water with the each wedge of the broke over us.
इफ वी कुड नॉट मेक अवर रिपेयर्स वी शुड श्योरली सिंक। हथौड़ा, पेंच और कनवास मिलने के बाद मैंने डेक्स पर आने के लिए पुनः स्ट्रगल्ड संघर्ष किया। स्टारबोर्ड साइड जोर से टकराने के बाद खुल गया। प्रत्येक लहर में लहर से पानी मिल रहा था जो हमारे ऊपर आ रही थी। यदि मैं कुछ समय मरम्मत न कर सका तो हम निश्चय ही डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. किसी तरह मैंने कनवास को स्ट्रेच फैलाया, सुराखों पर जल को रोकने के लिए कवर लगाए, कुछ नीचे पानी की ओर, कुछ पानी नीचे की ओर बहता रहा पर अधिकांश पानी एक तरफ निकलता रहा। मोर प्रॉब्लम्स अरोज, अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। बहन आवर हेड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप द डिब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केविन्स एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड द वाटर लेवल रॉज थ्रेटनिंगली वेक ऑन द डेक। आई फाउंड अवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन ब्रिंचड ओवर रॉड अलोंग विद द फोर स्टे सेल द जिप द डिंग्स एंड द मेन एंकर। और अधिक समस्याएं तब उत्पन्न हुई जब हमारे हैंडपम्प केबिन के चारों ओर बहने वाले मलबे से बंद होने शुरू हो गए और बिजली का पंप शॉर्ट कट सर्किट का शिकार हो गया। भयंकर रूप से पानी का स्तर उठ गया। डेक पर वापस आकर मैंने देखा हमारे दो अतिरिक्त हैंडपम्प बोर्ड पर ऐठे हुए पड़े हैं। जहाज के अगले मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी के साथ तिकोने पाल, डोंगिया और मुख्य एंकर लंगर भी ऐठ गए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैव अनोदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। द एट ड्रैगड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कॉल्ड कंटिन्यू फॉर पंपिंग स्टीरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। वी वर गेटिंग द नो रिप्लाई टू द मेडे कॉल्स विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन द रिमूव कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। डेक्सडॉन बहुत लंबी खिंचली चली गई। मेडे कॉल्स सहायता मांगने के लिए पुकारना, त्राही माम रिमोट दूर स्थित। देन तब मुझे याद आया, आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनोदर इलेक्ट्रिक पंप्स अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, कि हमारे चार्ट रूम में फर्श के नीचे दूसरा बिजली का पंप है। मैंने उसको बाहर के पाइप के साथ जोड़ा और धन्य हुआ कि वह काम कर रहा था। रात बहुत लंबी खिंचली, बहुत ठंड थी। पानी निकलने, जहाज को चलाने और रेडियो का काम करते रहना जारी रहना, त्राहिमाम का संदेश प्रसारित करने के बावजूद अन्य जहाज़ों से हमें कोई उत्तर नहीं मिला। दुनिया के इस दूर स्थित कोने में यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। शोर्ड हियर द स्लोवन अलान माइटली सी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज एंड नाउ सी सोब्ड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म। बहन आई आस्क्ड व्हाई सी हैड नॉट मेड ए मोर हर इंजरीज बिफोर दिस। सी रिप्लाइड आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू बहन,
यू आर ट्राइंग टू सेव ऑल ऑफ अस। सूज हेड, सू का सिर। हेड स्लोवन अलामट्री, सूज का सिर भयानक रूप से सूज गया था, स्लोवन सूज गया। सी हेड टू अनोरमियस ब्लैक आइज, उसकी दोनों आंखें काली, आंखें काली और बड़ी हो गई थी। एंड नाउ सी सॉब्ड अस डीप कट एंड हर आर्म्स, अब उसने अपनी वहाँ पर डीप कट का गहरा निशान था। वहन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा व्हाई सी हैड नॉट मेड मोर हर इंजरीज बिफोर दिस, जब मैंने उससे पूछा तुमने अपनी चोटों के बारे में क्यों नहीं बताया, देन सी रिप्लाइड, तब उसने उत्तर दिया आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी, मैं चिंतित करना नहीं चाहती थी। व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब तुम सब हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। थैंक्स स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक। द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई शैल टीच यू ऑन नेक्स्ट टर्म। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस।